दोस्तों, क्या आपको भी इस तरह का कुछ एरर दिखाई देता है जब आप आपकी पेन ड्राइव में या फिर मेमोरी कार्ड में कुछ भी डेटा कॉपी करते हैं या फिर डिलीट करते हैं या फिर उससे लेते हैं, मूव करते हैं? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एरर आता है ये वाला, द डिस्क इज़ राइट प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे इस तरह का आपको भी एरर आता होगा। तो आप ये वीडियो देखते रहिए, मैं आपको इसमें तीन तरीके बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं और उनसे आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल, आप देख रहे हैं आरपीएम टेक टिप्स। और दोस्तों, आपको अगर ये प्रॉब्लम आ रही है राइट प्रोटेक्टेड की, तो सबसे पहले आपके कार्ड में देखिए, आप एक स्विच होगा, ठीक है, उसको वो लॉक की तरफ होगा, वो एरो जो है लॉक की तरफ जा रहा होगा। एक वाइट कलर का या ग्रे कलर का एक स्विच रहता है कार्ड रीडर में आपके, अगर आप मेमोरी कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले उसको चेक करिए, उसको ऑफ करिए वहाँ से, ठीक है। एक तो ये हो गया तरीका अगर आप मेमोरी कार्ड कर रहे हैं तो। अब पेन ड्राइव में ऐसा कुछ नहीं होता है, पेन ड्राइव में डायरेक्टली वो राइट प्रोटेक्टेड हो जाती है सॉफ्टवेयर के जरिए। तो वो विंडोज़ में हो सकता है या फिर किसी ने कर दी होगी, या फिर ऐसा सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सारी बार कि वो ऑटोमेटिकली, या फिर ऐसे एंटीवायरस भी होते हैं ऑटोमेटिकली उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो उनको कैसे सॉल्व किया जाए वो इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो एक तरीका तो मैंने बता दिया गया कि हार्डवेयर है, एक स्विच है हार्डवेयर जिसको आपको ऑन ऑफ करना है। तो आप देख लीजिए करके, अगर वहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है सबसे पहले, तो वो सिर्फ मेमोरी कार्ड में काम करेगा। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड दोनों के बारे में, जो कि दूसरा तरीका है। आपको जाना है यहाँ पे स्टार्ट में, सर्च करना है यहाँ पर REGEDIT, नीचे लिख दूंगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक लिंक दिया है वहाँ पे जाके आप पूरा तरीका देख सकते हैं। अगर मैं लिंक नहीं देता हूँ, आप कमेंट करिए मुझे, मैं लिंक दे दूंगा। अगर आपको ये समझ नहीं आता है यहाँ पे और आपको देखना है किस तरह से आपको ये पूरी प्रोसेस देखना है स्टेप बाय स्टेप, तो मैं एक लिंक दूंगा, उसके जरिए आप पूरा प्रोसेस देख सकते हो। तो आपको लिखना है REGEDIT, तो ये रजिस्ट्री एडिट है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अगर आपने एक भी चीज़ मिस कर दी या फिर आपने कुछ गलत कर दिया तो हो सकता है आपका सिस्टम जो है वो खतरे में आ जाए। तो ये थोड़ा सा रिस्की वाला है, बट हाँ, अगर आप मैं जो बोल रहा हूँ उस तरीके से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये देखिए, आपको कहाँ जाना है, सबसे पहले इस तरह का सिस्टम होगा आपका। जैसे आप ये रजिस्ट्री एडिटर खोलेंगे सबसे फर्स्ट में, तो इस तरह का सिस्टम होगा, कंप्यूटर दिखाई देगा, कंप्यूटर के अंदर आपको इस तरह से दिखाई देंगे H की करके ये सारे। तो यहाँ पे आपको जाना है लोकल मशीन में, H की लोकल मशीन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाली, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको जाना है कहाँ पर, आपको जाना है सिस्टम के अंदर, ये वाला जो सिस्टम आ रहा है इसके अंदर, लोकल मशीन के अंदर आपको जाना है सिस्टम में। सिस्टम में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे आपको, मैं जूम कर देता हूँ जैसे कि इस तरह से। तो सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर करेंट कंट्रोल सेट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको, करेंट कंट्रोल सेट में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है कंट्रोल में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जाना है कंट्रोल में। जैसे आप कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन आएगा, सबसे नीचे आप जाएंगे के स्टोरेज डिवाइस पॉलिसी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये आप देख पा रहे होंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड पे इस तरह के कुछ यहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं राइट प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। तो राइट प्रोटेक्टेड पे क्लिक करना है और मॉडिफाई पे क्लिक करना है। अगर यहाँ पे जीरो है तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम नहीं है, अगर यहाँ पे वन है तो आप समझ लीजिएगा आपकी ये वाली प्रॉब्लम है। तो आपको वन से हटा के इसको जीरो कर देना है। तो बाय डिफॉल्ट इसकी जीरो के मतलब वैल्यू होती है कि राइट प्रोटेक्टेड नहीं है, और वन का मतलब होता है कि है। तो आपने देखा होगा कंप्यूटर में अगर हम कुछ भी चीज़ करते हैं तो जीरो मतलब नहीं, वन मतलब हाँ, ऐसा होता है। तो डिजिटली फॉर्म में यही होता है। तो जीरो मतलब नहीं राइट प्रोटेक्टेड नहीं, वन मतलब राइट प्रोटेक्टेड है। तो अगर आपका यहाँ वन है तो उसको जीरो कर दीजिए और ओके करके, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी जीरो ही है। तो ओके करने के बाद आपको ये सब क्लोज कर देना है, यहाँ पे सब क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको आपका सिस्टम रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपकी सारी जो राइट प्रोटेक्टेड वाली डिस्क थी वो सारी हट जाएगी और आप उसमें से वर्किंग कर पाएंगे, कॉपी कर पाएंगे, पेस्ट कर पाएंगे, फॉर्मेट कर पाएंगे, जो भी आपको करना है वो आप कर पाएंगे। तीसरा एंड लास्ट तरीका, आप इसको तभी करिएगा जब आपको पूरा श्योर हो के ये आपको आ गया है। तो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ दोनों तरीके जो मैंने बताए हैं। एक तो सिंपल है, उसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका है और जो तीसरा तरीका है, दोनों में बता रहा हूँ आपको। ये दोनों आपको लिंक मिलेगा एक नीचे, अगर लिंक नहीं देता हूँ मैं तो मुझे कमेंट करिएगा, लिंक मिलेगा, उस लिंक में आपको पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख के बताया। अगर आपको ये यहाँ पे वीडियो में याद नहीं रहता है तो आप इस वीडियो को देखिए, इस तरह से करना है। उसके बाद आप टेक्स्ट समझ सकते हैं वहाँ पे, टेक्स्ट में जाके कहाँ पे जाना है, तो उस लिंक पे आप जरूर क्लिक कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो में समझ नहीं आता है तो। तो आप ये लास्ट स्टेप जो है वो एकदम केयरफुली देखिएगा। अगर आप कुछ भी दूसरा करते हैं तो आपकी दूसरी ड्राइव में कुछ नुकसान हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है,
तो उसके जवाबदार आप खुद होंगे। बट इतना टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा। जो मैं स्टेप बता रहा हूँ उसी को फॉलो करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मेरे सिस्टम को कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके सिस्टम को भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे जाना है आपको, यहीं पे अगर विंडोज 10 है, और ये सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप जो ट्रिक बता रहा हूँ, दोनों तीनों जो मैंने बताई हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 में ही काम करेगी। अगर मैं 10 यूज़ कर रहा हूँ तो ये 7 में भी करेगी, अगर आपके पास एक्सपी है तो उसमें भी करेगी। बस थोड़ा सा आपको सर्च में यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है तो अंदर जाके आपको सर्च करना पड़ेगा, या फिर आप रन में भी कर सकते हैं, या फिर आप डिफ़ॉल्ट सर्च में भी कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल में जाके बाय डिफ़ॉल्ट आप जा भी सकते हैं। यहाँ पे लिखना है CMD लिखेंगे आप यहाँ पे, और CMD लिखने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ठीक है। अब यह CMD आप कहीं से भी खोल सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्च में जाके खोलना है। अगर आपको कहीं पे दूसरी जगह स्टार्ट में जाके डायरेक्ट CMD मिल रहा है तो वहाँ पे खोल सकते हैं, बट आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर खोलना है। अब रन एज एडमिनिस्ट्रेटर खुला कि नहीं खुला, ये चेक करने के लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका है कि यहाँ पे विंडोज़ के बाद System32 आना चाहिए। अगर विंडोज़ के बाद आपका यूज़र या फिर नाम ऐसा कुछ आ रहा है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर से नहीं खुला है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर से ही खोलना है उसको, तभी ये ट्रिक जो है वो वर्क करेगी। अब आपको यहाँ पे लिखना है डिस्क पार्ट, DISK डिस्क PART पार्ट। आप स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो हो सकता है आपको स्पेलिंग की यहाँ पे कुछ दिक्कत हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिस्क पार्ट DISK PART एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपको लिखना है लिस्ट डिस्क, जैसे कि इस तरह से आएगा ये, आपको ये डिस्क पार्ट में हम चले गए तो ये डिस्क पार्ट ऐसे आना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो अंदर ही हो, डिस्क पार्ट ये इस तरह से आना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे डिस्क पार्ट, हो सकता है आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो अलग से एक कमांड प्रोमोट भी ओपन हो सकती है, तो आपको उसमें लिखना है, फिर इसमें नहीं लिखना है। तो अगर आप नया वर्जन यूज़ कर रहे हैं कोई भी विंडोज 7 का, तो ये इस तरह से ओपन होगा इसी कमांड प्रोमोट। तो यहाँ पे डिस्क पार्ट लिखा आएगा, वो विंडोज सी वगैरह सब हट जाएगा, डिस्क पार्ट लिखा आएगा। यहाँ पे करना है लिस्ट डिस्क, LIST लिस्ट DISK डिस्क। लिस्ट डिस्क मतलब इसलिए लिखते हैं हम क्योंकि हमारी जो भी हार्ड ड्राइव है सारी शो होने लग जाए, और डिस्क पार्ट इसलिए लिखते हैं कि हम जो डिस्क पार्ट की जो कमांड होती है उसमें चले जाने की, जो यहाँ पे सारा डिस्क का कमांड से हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी डिस्क में हमको करना है, फॉर्मेट करना है, ये जो भी करना है वो। तो लिस्ट डिस्क हम लिखेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, लिस्ट डिस्क लिखेंगे, एंटर करेंगे। अब एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्पेस देना है बीच में आपको, मैंने शायद स्पेस नहीं दी थी तो इसलिए वो इस तरह से हो गया था। तो यहाँ पे आप देखिए लिस्ट डिस्क स्पेस देना है बीच में, और आपको जो भी आपकी ड्राइव में स्पेस जितनी भी डिस्क होगी, यानी कि दो हार्ड ड्राइव होगी तो 01 ऐसा बताएगा, तीन होगी तो 012। अब वो हार्ड ड्राइव में आपकी मेमोरी कार्ड भी काउंट है। अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नाम वगैरह कुछ भी पता नहीं चलेगा, आपको साइज याद रखना है, ठीक है। तो ये दो यहाँ पे स्टार लगे हुए हैं, यानी कि GPT है ये, ठीक है, इनको आपको चेंज नहीं करना है, सिस्टम है। यानी कि मेरे इसमें दो हार्ड ड्राइव लगी है, एक SSD और एक हार्ड ड्राइव लगी है जो कि नॉर्मल है। अभी आपको यहाँ पे देखना है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्क टू में ही जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो डिस्क टू में ही करना। अब यहाँ पे आपने गलती से अगर दूसरी डिस्क सिलेक्ट कर ली और उसमें सारा कर लिया तो हो सकता है आपका डेटा लॉस हो सकता है, तो इसलिए आपको एकदम यहाँ से एकदम केयरफुली करना है वो जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं आगे, और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सी डिस्क सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो कि मेरी पेन ड्राइव है, जो कि पेन ड्राइव की साइज़ है 3759 MB, 4 GB की पेन ड्राइव है, इसकी साइज़ होती है। यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा मेरी सिलेक्ट डिस्क टू, तो यहाँ पे कमेंड होती है SELECT सिलेक्ट DISK डिस्क टू, ठीक है, ये मैंने एंटर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, एंटर, तो अब यहाँ पे लिखा जाएगा डिस्क टू इज़ नाउ द सिलेक्टेड डिस्क, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। अगर ऐसा नहीं आता है तो आप देखिए कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक कर रहे होंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कमेंट करना है आपको, जो कि ये है attributes disk clear read only, ये आपको करना है। अब जैसे आप ये पूरा लिख देंगे, as it is लिखना है, ठीक है, डिस्क टू सिलेक्ट कर दी, डिस्क टू के अंदर ये परफॉर्म करना है, अदरवाइज दूसरी डिस्क के अंदर नहीं करना है, ठीक है। जिस डिस्क में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिस डिस्क में आपको जो है राइट प्रोटेक्ट शो हो रहा है उसमें करना है। मेरे इसमें टू है क्योंकि मेरे इसमें ऑलरेडी दो डिस्क लगी हुई है। अगर आपके इसमें एक ही हार्ड ड्राइव लगी होगी लैपटॉप में या कंप्यूटर में तो आपके इसमें डिस्क वन बताएगा, तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुली देखिएगा, ये इतना लिखना है, उसके बाद एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि डिस्क आर्टिब्यूट क्लियर्ड सक्सेसफुली। अगर ये नहीं आता है तो आप समझ जाइए कि वो इससे भी नहीं हुआ, तो फिर आपकी जो आपकी मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव है उसमें फिजिकली कोई क्रैक है या फिजिकली वो डैमेज हो सकती है, तो फिर वो कभी सही नहीं होगी, तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखिएगा। तो बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे काम हो गया आपका। अब क्या करना है, exit कर देना है या फिर डायरेक्टली भी बंद कर सकते हैं। तो EXIT exit लिख दिया मैंने, डिस्क पार्ट से एग्जिट हो गए। अब कहाँ हुए, डिस्क पार्ट से एग्जिट हुए। एक और बार एग्जिट लिखेंगे तो हम हो जाएंगे पूरे CMD से एग्जिट, तो ये हम एग्जिट हो गए। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर मैं डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर पा रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं,
ये पेस्ट हो गया, पहले नहीं हो रहा था, पहले आपको मैंने बताया था एक एरर आ रही थी। तो इस तरह से आप आपकी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको जरूर से उसका सोल्यूशन बताऊंगा और आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो इसको जरूर से शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए आपके जो अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर से वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, रोजाना मैं आपके लिए टेक वीडियोज लेके आता रहता हूँ और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट जो आपको जानना जरूरत है वो मैं आपको देता हूँ चैनल पर। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे एक लिंक करेगा, उसके जरिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट के वीडियोस की लिंक यहाँ पे आ रही है, उनके जरूर लास्ट के वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।